लुक्सर गांव दिल्ली के बिल्कुल समीप गांव है और आरझार लुक्सर गांव का दिल्ली में ज्यादा रहता है। हमारे साथ गांव के कुछ गणमान्य मतदाता हैं जिनसे हम जानेंगे और सरपंच भी जो वर्तमान में है वो हमारे साथ हैं। सरपंच साहब राम राम। राम राम भाई साहब, कैसे हो? अच्छे हैं संजय जी। तो कैसा माहौल है गांव में इस बार? गांव का रुझान किस तरफ है, कांग्रेस भाजपा या किसी अन्य दल की ओर? भाई संजय, सबसे पहले आपके चैनल को राम राम। राम राम प्रधान जी। भाई मारे आड़े का रुझान फिलहाल तो कांग्रेस का है। तिपेंद्र जमीन से जुड़े और नेता है, पिछली किसी कानून से होगी हार होगी थी, ईब के ना गांव ने पूरे ठान ली है कि हम अपने बेटे ने जतावाएंगे, बूढ़े ठहरे ये कह रही है। और यहाँ के जो दिल्ली का नज़दीक गांव लग गया हमारा, इस हिसाब ने देखिए तो भाई हमने कांग्रेस बाद में हुड्डा सबसे पहले, दीपेंद्र हुड्डा सबसे पहले है, हमारा नेता है, बढ़िया लड़का है। और हम जितनी भी कोशिश होगी अपने गांव से पिछली बार की सारी बातें भूल के उसकी जीत निकलवाएंगे, पूरे गांव की इच्छा। चलिए, तो इसके कारण क्या है, मतलब अरविंद शर्मा से नाराजगी है या भाजपा से दूरी बना रहे हो, कैसे, क्या कारण क्या है, मतलब मुद्दा क्या है? अरविंद शर्मा से कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी तो इस बात की है भाई संजय कि ये पूरे 5 साल हमारे लुक्सर गांव में, मैं इसमें राजनीति में थोड़ा घूमता फिरता रहा हूँ तो इस बात का भी वो मत मानियो कि भाई कुछ कहता होगा, हमारे पूरे गांव में उसने 100 रुपये का काम 5 साल में कराया नहीं, एक दिन आया नहीं। एक बार आया था, एक मंदिर के प्रोग्राम में बुलाया था, 2-3 काम उठ कर गया था, 2 महीने बाद से बोलिया भाई मेरे पास बैलेंस नहीं है, फंड नहीं है, मैं नहीं कर सकता, साफ नाइट गया था। तो गांव में आया नहीं, गांव से जुड़िया नहीं। और दीपेंद्र भाई का ईसा है, एक बार बेरा पैट जो भाई गाँव हंड में जाना है, रोहतक सीट पर कितने भी जाना और जगह मौके पर पहुँचता, जो भी उसका बुला देता है। 30 लाख रुपया कांग्रेस के MLA ने दिया है भाई, स्कूल को दिया है, और 2 टेंडर करवाए हैं रास्ते के 3.5-3 लाख के, और एक शहीद पार्क है, उस शहीद पार्क का 5.5 लाख रुपया दिया है, 5,55,000 रुपया, जिसकी इटारी है आचार संहिता के बाद वो चालू हो जाएगा। के रुझान है दीपेंद्र या अरविंद? राम राम जी। राम राम भाई साहब। हमारे गांव में जी दीपेंद्र का ही होल्ड है। अच्छा। दीपेंद्र एक जमीनी सत्र से जुड़ा हुआ इंसान है और अच्छा और साफ सही का इंसान, इसीलिए हमारा रुझान उसकी तरफ है और कार्यशैली भी उसकी अच्छी है, जब से भी वो बनाया है ठीक कार्य उसने किए हैं और हमारे ही गांव नहीं पूरे हरियाणा के लिए अच्छा इंसान है, बिल्कुल ठंडा स्वभाव का अच्छा इंसान है, हमारा भाई साहब है, हम उसको वोट देंगे। चलिए भाई साहब, आपकी क्या राय है, दीपेंद्र अरविंद भाजपा या कांग्रेस? भाई साहब दीपेंद्र हुड्डा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत काम कराए हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम दीपेंद्र के वोट देंगे और उसको बने। आपको क्या लगता है दीपेंद्र की जीत से ये सब सुधार होंगे? सेंटर में सरकार को लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सेंटर में इस बार NDA गठबंधन मजबूत है बनिस्बत के इंडिया गठबंधन के, ऐसी कुछ संभावनाएं जब होती हैं और दीपेंद्र यहाँ से जीतता है तो वो चीज़ें हो पाएंगी जो आप सोच रहे हैं? बिल्कुल हो पाएंगी जी, वो अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं और जो व्यक्ति अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाएगा वो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ गाँव के अच्छे कार्य करेगा, और 36 बरादरी के नेता हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और सबके ही प्यार, विपक्ष के लोग भी प्यार करते हैं इसको, तो छवि अच्छी है उसकी। जो ये 2-3 बातें चल रही हैं भाई साहब, राम मंदिर है, धारा 370 है, विकसित भारत है, रोजगार है, ये सब चीज़ें जो इनका प्रचार किया जा रहा है, जो नेशनलाइज की बात की जा रही है, राष्ट्र की बात की जा रही है, उनका कुछ अर्थ है यहाँ जमीन पर दिखाई देता है जब नेशनलिज्म का मुद्दा आता है तो? देखो भाई साहब, धार्मिक चीज़ें तो आदमी शुरू से जुड़ा हुआ है, सभी मानते हैं चीज़ों को, तो इसको तो पक्ष भी विपक्ष भी, इसका और राजनीति का कोई खास वो नहीं है, यहाँ लोग काम देखते हैं, काम ही चाहिए हैं, विकास कार्य चाहिए हैं और विकास कार्य दीपेंद्र हुड्डा जी ने कराए भी। चलिए, विकास कार्यों पर लुक्सर के ग्रामीण वोट देना चाहते हैं, आपको लगता है दीपेंद्र के आने से विकास कार्य होंगे? होंगे भाई साहब, बिल्कुल होंगे। अच्छा। पिछले 10 साल जब वो रहे, जब का देख लो, और अब इन 10 साल में जो काम हुए देख लो। हाँ। वो तो आपके आगे है। किसके ज्यादा रहे? दीपेंद्र के। इस बार लुक्सर में दीपेंद्र लुक्सर में नहीं भाई साहब, ये समझ लो हरियाणा में दीपेंद्र। अच्छा। हाँ, पूरा हरियाणा
मतलब दीपेंद्र सीएम बने। लेकिन भाई साहब रोहतक में तो चलो ठीक है, दीपेंद्र की बहुत अच्छी छवि है, और सीटा पर तो जूत बाज रहा है, नगो उस तक गलत दे दी, इस तक गलत दे दी, कितना एसआर के गुट है, कितना हुड्डा गुट है, कितना फूट की बात कर रहे हैं, ये सब बकवाद है भाई साहब। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, सब एक है, कांग्रेस सारी एक है। जिस जिसने टिकट मिल रहा है 10 की 10 लोकसभा की सीट कांग्रेस की आऊंगी, गारंटी है। और चलो वो तो ठीक है, इब शैलेजा दीपेंद्र के नामांकन में ना आई, हुड्डा साहब शैलेजा के नामांकन में ना गए, कुलदीप बिश्नोई उसके रणजीत चौटाला के नामांकन में ना गया है ना, किरण दलाल अपनी न्यारी पंचायत कर रहा है, किरण चौधरी नारा वो कर रही है, राज बब्बर के खिलाफ अजय यादव खड़ा हो रहा है, ये जो फूट है इसका कुछ असर है? इसका कोई असर नहीं है भाई साहब, ये सारी अफवाह है, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं, ये सिर्फ विपक्ष चलाओ है, ये बात विपक्ष चलाओ है। ठीक ठीक, आपकी क्या राय है भाई साहब? भाई साहब दीपेंद्र बहुत अच्छा इंसान है, सभी को साथ लेकर चलने वाला है और आगे भी बहुत काम करवाएगा, और पिछला इतिहास भी बहुत अच्छा है उनका, 10 साल पहले का काम करवाया। हाँ, काम करवाया है भाई साहब। आपकी पर्सनल क्या राय है भाई संजय? आपसे राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से है, बारी मतों से। अरे देखो यहाँ बीजेपी तो मतलब किस मुद्दे पर वोट मांगे? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और इसके पास है भी क्या है ना, तो कोई आम आदमी के लिए कोई है ना काम बताओ, अगर भाई हमने यो काम किया है, कुछ भी नहीं किया। चलो तो गांव में मतलब प्रचार को लेकर के क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं, आप क्या कह के वोट मांगोगे दीपेंद्र के लिए? दीपेंद्र की छवि अच्छी भाई, दीपेंद्र के स्वभाव पर वोट मिलेगी, 36 बिरादरी दीपेंद्र के साथ है, और वह इसीलिए साथ है कि दीपेंद्र ने विकास बहुत अच्छे करे हैं, विकास के काम बहुत अच्छे करे हैं। जी भाई साहब, वो जो आप 370 का जो जिक्र उठा रहे थे भाई साहब, उसमें दो सेक्शन आपने हमारे तो ज्यादा पता होगा, ए और बी, उसका सिर्फ बी सेक्शन हटाया है, ए सेक्शन नहीं हटाया 370 का इन्हें। वो किस लिए हटाया? अडानी ने वहां जमीन ले ली, अडानी के ऊपर सिर्फ जमीन लेने के लिए वो हटाया था इन्होंने बी सेक्शन, अडानी ने जमीन ले ली, वहां गोडाउन बना होगा, ठीक है, और कोई मैटर नहीं है। अच्छा चलो, राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम आरक्षण को ना, आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे, आरक्षण इस देश के लिए बहुत जरूरी है, आप कितने सहमत हैं? भाई हम इस बात का देखा, हमने इस बात का ज्ञान नहीं, सच्चाई है, हमने ज्ञान तो पूरा है, आपने जब 370 के सेक्शन का आपने बेरा है तो आरक्षण का भी जो सच्चाई थी वह बता दी ना, अडानी ने जमीन वहां ले लिया, आपने पता होगा कश्मीर में अडानी ने इतनी जमीन ले घेर दी जिसका को अंत नहीं, सिर्फ 20 सेक्शन हटाया था, सिर्फ 20 सेक्शन। अच्छा आरक्षण का मुद्दे पर, जैसे आरक्षण बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, खत्म होना चाहिए? भाई आरक्षण तो देखो खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। आपकी क्या राय है, आरक्षण इस देश के लिए लाभदायी है, खत्म होना चाहिए, या राहुल गांधी कह रहे हैं बढ़ना चाहिए? देखो जी, जो वाक्य में जिसको जरूरत है उसको मिल भी जाए तो कोई बुराई नहीं है, जो और भाई जो सक्षम इसमें है, जिनको जरूरत नहीं है उन्हें देना चाहिए, ये किसी चीज का आधार देकर इस चीज को करें। चलिए, ये थे लुक्सर गांव के सम्मानित मतदाता, जिनकी हमने राय जानने की कोशिश की है, विकास पर वोट मांगी जा रही है, काम के नाम पर वोट पड़नी चाहिए, काम करने वाले व्यक्ति को वोट मिलनी चाहिए, ऐसा लुक्सर के मतदाताओं का मानना है, जो काम करेगा वोट भी उसी को मिलनी चाहिए। तो आओ इस लोकतंत्र में सभी चुने, सही चुने, लोकतंत्र में अपना वोट, इस महापर्व में अपना मत अवश्य दें। बात आप कर रहे थे जी, इस पर मैं भी एक बात कहूंगा, जो जरूरतमंद अपनी बरादरी है, अगर उनको मिल भी जा रहे हैं तो हमने कोई दिक्कत नहीं है, क्यों किसी का फायदा होता हो, कोई भी 36 बरादरी में कोई भी जाए तो उसको मिल जाए तो कोई नुकसान वाली बात नहीं। राहुल जी कह रहे हैं हम इसको 50% की सीमा से बढ़ाएंगे। हाँ, बढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं 36 बरादरी में जिस भाई का फायदा होता हो, सरकार वह होनी चाहिए जो आम आदमी को फायदा होना चाहिए।